हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी ठाकुर, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम हिमकट पी। सो बच्चे, आज हम 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो फंडामेंटल चीज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज माई इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या चीज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये एक शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आप सभी समझते हैं कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये उसने किसी से उधार नहीं ली है, जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो उसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। यानी या तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, या फिर उस दूसरी बॉडी के ऊपर जो हम लेटर ऑन 12th क्लास में ही आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, उसके ऊपर क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जब आपका चार्ज किस पे था, रेस्ट पे था, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो अब बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास चार्ज कितने टाइप का होता है। हमारे पास चार्ज जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी। और नेगेटिव चार्ज कोई भी बॉडी कब एक्वायर करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, गेन करेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, पर यहाँ से सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर हम देखें, एक बार क्वेश्चन था कि भैया एक बॉडी है उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, +2 कूलम या +6 कूलम, कुछ इस तरह से आपको डिजर्ट दे देगा एग्जामिनर, और पूछेगा भैया उसके मास पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी, अब बेटा जब बॉडी चार्ज को लूज कर रही है, मींस उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लूज हो रहे हैं, तो उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारा बोर्ड एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि अगर बॉडी बच्चा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है देन इट मास विल डिक्रीज, एंड अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो उसका मास क्या करेगा बच्चा मेरा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें बेसिकली हम तीन प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चा वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है इसके ऊपर चार्ज है +2 कूलम, कोई दूसरी बॉडी है इसके ऊपर चार्ज है +6 कूलम, या कोई तीसरी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है -1 कूलम। ठीक है जी, अब मैंने बोल दिया भैया इन तीनों बॉडीज के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, 2 + 6 कितना होता है बच्चा, 8 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 कूलम। ठीक है, मतलब बोलने का मेन निष्कर्ष ये है बच्चा मेरा कि हमने जो चार्ज फाइंड आउट करना है, सिंपली जैसे हम मैथ्स का एलजेब्रा पढ़ते हैं उसकी तरह आपने ऐड कर देना है, यानी चार्जेस को, हमें कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं है जो चार्ज को ऐड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिंपल मैथमेटिकल एलजेब्रा से हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चा मेरे पास क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको मैं अभी आपको नेक्स्ट इसमें पढ़ाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बच्चा, ये आपका बोलता है, आपको सभी को लोअर क्लासेस में आपने 2 का टेबल पढ़ा है। ठीक है जी, 2 1s क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 2 2s 4, 2 3s 6। ठीक है, अब ऐसा है बच्चा 2 के टेबल में वही चीजें आ रही हैं, जैसे हमारे पास 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो 2 के क्या हैं, इवन मल्टीपल्स हैं। तो सेम वही कहानी हम पढ़ेंगे किसके केस में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा बोलता है बच्चा कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है इंटीजर, मल्टीपल ऑफ किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी ये वैल्यू हो सकती है 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ अप टू सो ऑन। एन का वैल्यू जो है हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी आगे तक ले सकते हैं। बोलने का मतलब ये है ये इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आज तक हमने यही पढ़ा है कि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, एक इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी गेन करेगी या लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, कभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि 1/3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 2/3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं वही जो मैंने आपको पिछला सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बताया था कि भैया बॉडी जो है अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी तो उसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है जी। अब इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चा इसमें कि हम किसी भी बॉडी को जो है वो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज माई बाई फ्रिक्शन। बेटा ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है और आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, जैसे हम अपने बालों को कॉम करते हैं तो हमें हल्की सी एक झंझनाहट जैसी फील होती है। ठीक है, वो किसकी वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्यों आ जाती हैं मेरी, मैं ऊपर एक वर्ड लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जब बच्चा हम किन्हीं दो बॉडीज को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी बॉडीज क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है जी, कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगी, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगी, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास था भैया फ्रिक्शन की कहानी। ठीक है, ये हमारा काफी लोअर क्लासेस का कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। मेनली जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जो मेन तरीके हैं हमारे पास यहाँ से, जिन पे हमारी एनसीईआरटी फोकस है, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। ठीक है जी, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है जी, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जीरो कूलम चार्ज है। अब मैंने इस बॉडी को चार्ज करना है। ठीक है जी, मैं इसके बगल में कोई दूसरी बॉडी लाऊंगी जो कैसी होगी, चार्ज बॉडी होगी। मान लीजिए ये मेरे पास कोई दूसरी बॉडी थी बी, जिसके ऊपर मेरा चार्ज कितना था बचा, प्लस 4 कूलम था। ठीक है जी, अब मैंने इन दोनों को, इसको जो है, जो ए बॉडी है उसको क्या करना है, चार्ज करना है। कौन से मेथड से, कंडक्शन से। तो मैंने पहली आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मैंने यहाँ पे इस बॉडी को कैसे रखा है, बिल्कुल फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखा है, यानी दोनों बॉडीज फिजिकली एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए, जब आपने कौन सा मेथड लगाना है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है जी, अब किसी ने पूछ लिया भैया कि मान लीजिए अब आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, मैंने ए और बी बॉडी को सेपरेट कर दिया है, अब मुझे बताइए कि ए बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा और बी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों बॉडीज के ऊपर मेरा चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं इससे बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0+4/2 दैट इज इक्वल टू 2 कूलम, और इस पे भी 0+4/2 दैट इज इक्वल टू 2 कूलम, यानी मेरा चार्ज क्या है, इक्वली डिवाइड हो गया। तो कंडक्शन की बेसिकली दो चीजें हमने याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है भैया कि जब भी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है तो दोनों बॉडीज के पास आपस में क्या होना चाहिए, एक फिजिकल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात भैया, इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी तो इन दोनों बॉडीज के ऊपर भी कैसा चार्ज है, +2 कूलम, +2 कूलम, यानी कंडक्शन में हमारे पास सेम नेचर का चार्ज ही प्रोड्यूस होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यू, भैया कंडक्शन के थ्रू चार्ज किया कैसे नेचर का चार्ज बनेगा, पूछ सकता है अपोजिट नेचर का, सेम नेचर का, या आप बोल सकते हैं कि भैया हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कह तो सकते हैं कैसा चार्ज बन रहा है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्शन। अब इसके बाद बात करेंगे हम कौन से मेथड की, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ चार्जिंग बाई इंडक्शन की तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है जी, अब इंडक्शन में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने सिर्फ दूर से देखना है, ठीक है, हमने उसके पास नहीं जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने बॉडीज को फिजिकली आपस में टच नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास, जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी 0 कूलम चार्ज है। अब मैंने इस बॉडी को चार्ज करना है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, मैं इसके बगल में किसी चार्ज बॉडी को लेके गई। अब इसके बगल में चार्ज बॉडी को लेके गई, अब ये वाली बॉडी बच्चा मेरी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब है जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगी बच्चा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिव तो किसको प्यार करता है, नेगेटिव चार्ज को। तो भैया वो नेगेटिव चार्ज को अपने और खींच लिया, पॉजिटिव को इसने यूं कर दिया। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि भैया जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड को कर दिया, क्योंकि धरती माँ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो सारा चार्ज सह सकती है, सारा अत्याचार सह रही है, तो भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा। अब भैया मैंने इसको, जिसकी वजह से मैं चार्ज कर रही थी उसको मैं दूर ले गई, और ये सारे का सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो भैया इंडक्शन में हमने एक चीज सीखी कि जब मैंने किसी बॉडी को चार्ज किया तो उसके ऊपर कैसे नेचर का चार्ज आया, अपोजिट नेचर का। कंडक्शन में कैसे नेचर का चार्ज आ रहा था हमारे पास,
सेम नेचर का चार्ज आ रहा था। ठीक है जी, नेचर तो हमने इसका पढ़ लिया कि अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव रॉड लेके गई थी तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जाती तो बताओ मुझे कैसा चार्ज आना था उस बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात कर रहे हैं भैया इसका मैग्नीट्यूड, भैया कितना चार्ज है, क्या हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं? तो इसके मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन के। ठीक है जी, तो क्यू डैश मेरे पास वो वाला चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है, क्यू जो इस बॉडी के ऊपर चार्ज था, के है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसके बारे में हम लेटर ऑन इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए एक बात याद रखना, जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है हमारे पास क्यू डैश, ये इस क्यू से बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है जी, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ, क्या दो बॉडीज हैं जिनके ऊपर सेम चार्ज होगा, क्या वो अट्रैक्ट करेंगी? अगर हम लोअर क्लासेस का ही साइंस यहाँ पे लगाएं जो हम टेंथ तक पढ़ के आए थे, आप क्या बोलेंगे, भैया नहीं कर सकती हैं। लेकिन कर सकती हैं, कैसे? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडक्शन के बारे में पढ़ा। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जिसके पास बहुत सारा हजारों कूलम का चार्ज है, इसके बगल में आप एक छोटी सी बॉडी रख दोगे तो उसको आपके उसके ऊपर मान लो वन कूलम है, तो होगा क्या, इंडक्शन के कारण इसके पास कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा दूसरी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में ये क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। हाँ भैया, दो अपोजिट नेचर की बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, जो आज हमें किसने सिखाया, चार्जिंग बाय इंडक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है जी, अब इसके बाद बच्चा अब हम इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज माई कूलम्स लॉ। ठीक है जी, अब भैया हमने चार्ज की कहानी तो गा ली, लेकिन दो चार्जेस हमने ये भी पढ़ लिया, चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो हमने सिर्फ फील किया। अब कितना धक्का मार रहा है भैया, कितनी फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है जी, तो कूलम्स लॉ जो है बच्चा वो बेसिकली सेम वही चीज़ है जो हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ के आए हैं। ग्रेविटेशन में हम यहाँ पे इन दो चार्जेस की जगह क्या रखते थे, मासेस रखते थे। ठीक है जी, तो मिलता जुलता कंसेप्ट है उससे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास पहली बॉडी है ए जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, दूसरी बॉडी है बी जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, और दोनों बॉडीज के बीच में मेरी सेपरेशन कितनी है बच्चा स्मॉल r। अब मैं अभी पोलैरिटी पे नहीं जा रही हूँ, अभी सिर्फ मैं इन दोनों बॉडीज का मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रही हूँ फोर्स का। तो ये जो दोनों बॉडीज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, जो फोर्स उन दोनों के बीच में लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करूँ तो हमारे पास बन जाता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू वन एफ इज इक्वल्स टू सॉरी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो है बचा ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब हम इस के बारे में पढ़ेंगे, ये के क्या है, ये बच्चा डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे एंड नेचर ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में आपके ये दोनों चार्जेस क्या है रखे हुए हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, इसकी वैल्यू होती है 1/4 πε₀। ठीक है जी, एप्साइलन क्या है बच्चा मेरे पास, दिस इज द परमिटिविटी। ठीक है जी, परमिटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है जी, अगर हम इसमें बात करें, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, NCERT में लिखा है, हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसको गलत ट्रांसलेट करते हैं। परमिटिविटी का मतलब है कि आप पढ़ते हैं कि भैया परमिशन है, किसकी परमिशन है, परमिट करना मतलब परमिशन देना, लेकिन किसको परमिशन देना। ठीक है जी, अब मेरे पास परमिटिविटी का मतलब है कि भैया मैं दो चार्जेस को परमिट कर रही हूँ, मीडियम परमिट कर रहा है कि भैया वो आपस में लड़ झगड़ लें। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने इन चार्जेस को किस में रखा है, एयर में रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, और अगर मैंने इनको वाटर में रखा है या किसी अदर मीडियम में रखा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, हम इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।